अगर हम 3 साल पहले के समय को याद करें तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर पहले महामारी और लॉकडाउन आए जिसने लोगों की कमर तोड़ दी, और अभी टूटी हुई कमर ठीक भी नहीं हुई थी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद दुनिया के बचे कुछ अर्थव्यवस्था भी मुंह के बल गिरी। और यह सब चल ही रहा था कि एक और बुरी खबर सामने आ गई। मौजूदा समय में अमेरिका में बैंकों का संकट गहराने लगा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में ही अमेरिका के 3 बड़े बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वरगेट बैंक और चिग्नेचर बैंक डूब चुके हैं। और इतना ही नहीं, हाल ही में अमेरिका बैंक फर्स्ट रिपब्लिक के शेयर भी 70% तक गिर चुके हैं, यानी यह बैंक भी बहुत ही जल्द डूब जाएगा। तो इस कारण अमेरिका में एक बहुत बड़ा बैंकिंग संकट उभर चुका है, क्योंकि इसके बाद अनुमानित 200 और ऐसे बैंक डूबने के अनुमान है, जो न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि अमेरिका समेत दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका की 16वीं सबसे बड़ी बैंक है, और इसके हालात देखते हुए रेगुलेटर्स ने इस बैंक को बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। और इस बैंक के साथ कुल 290 अरब डॉलर का एसेट और 175.4 अरब डॉलर के कुल डिपॉजिट को भी जब्त कर लिया गया है। और सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने से दुनिया भर के लोगों को 2008 में हुए बड़े बैंकिंग फेलियर की याद ताजा हो गई है, क्योंकि साल 2008 में भी अमेरिका के लेहमन ब्रदर्स बैंक के डूबने के कारण अमेरिका को अपने इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस झेलना पड़ा था। और यह न सिर्फ अमेरिका बल्कि इस बैंक क्राइसिस के कारण पूरी दुनिया 2008 में मंदी की चपेट में आ गई थी। ऐसे में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने से पूरी दुनिया की बैंकिंग व्यवस्थाओं पर इसका असर दिखने लगा है। साथ ही वॉल स्ट्रीट जनरल के एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक की तरह ही 200 और ऐसे बैंकों के डूबने का जोखिम है, जिनमें से करीब 10% बैंकों का घाटा बहुत ज्यादा है, जबकि 10% बैंकों के पास पूंजी सिलिकॉन वैली बैंक से भी कम है। इस कारण इन बैंकों पर भी खतरे की घंटी बज रही है। और अमेरिका में बैंकों की स्थिति इतनी खराब होने के कारण दुनिया भर के बैंकों का शेयर भी 3% से लेकर 13% तक गिर चुके हैं। भारत में भी बैंकों के शेयर 13% तक गिर चुके हैं। और इतना ही नहीं, बैंकिंग म्यूचुअल फंड के शेयरों में भी 6% तक की गिरावट दर्ज हो गई है। यानी अमेरिका के बैंकिंग क्राइसिस का सीधा असर भारत में भी दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक में 21 भारतीय स्टार्टअप के खाते मौजूद थे, साथ ही इन बैंकों का निवेश भी इन स्टार्टअप में किया गया था। लेकिन अमेरिका के इस बैंकिंग क्राइसिस से 2008 में जिस आर्थिक मंदी से पूरी दुनिया को जूझना पड़ा था, उस मंदी से क्या दुनिया को एक बार फिर से जूझना पड़ेगा, या फिर इस बार दुनिया को उससे भी ज्यादा जूझना पड़ेगा? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अमेरिका का बैंकिंग क्राइसिस क्या है, अमेरिका में यह बैंक क्राइसिस क्यों हुआ है, क्यों सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूब गए हैं, और क्या इस बैंकिंग क्राइसिस की स्थिति का असर हमारे भारत पर भी पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो साल 2008 में आई आर्थिक मंदी को कोई भी देश अभी तक भूल नहीं पाया है, और इस मंदी की शुरुआत भी अमेरिका के बैंकिंग क्राइसिस के कारण ही हुई थी। और इससे पहले 1929 की महामंदी जो आई थी उसकी शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई थी। खैर, वो तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन साल 2008 की मंदी को समझे तो अमेरिका के बैंकों ने साल 2004 और साल 2005 से ही अमेरिकी लोगों को रिस्की क्रेडिट और रिस्की होम लोन देने शुरू कर दिए थे। इस कारण अमेरिका में बहुत बड़ा रियल एस्टेट बबल बन गया था। लेकिन अमेरिकी लोगों के द्वारा लोन को वापस न भरने के कारण और डिफॉल्टर लोगों की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ रियल एस्टेट बबल फूट गया। इस कारण अमेरिका के बैंक धीरे धीरे दिवालिया होना शुरू हो गया, जिस दौरान अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा बैंक लेहमन ब्रदर्स और छठवां सबसे बड़ा बैंक वॉशिंगटन म्यूचुअल दोनों दिवालिया हो गए, जिसके बाद धीरे धीरे अमेरिका के बाकी बैंकों में भी डिफॉल्टरों की संख्या ज्यादा होने के कारण बाकी बैंक भी दिवालिया होना शुरू हो गया। इसके बाद अमेरिका में बैंक के डिफॉल्ट होने की एक सीरीज शुरू हो गई, जिसने 1929 के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक मंदी को जन्म दिया। अब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस कारण अमेरिका में आर्थिक मंदी आने से पूरी दुनिया में भी आर्थिक मंदी आ गई, जिस आर्थिक मंदी के कारण
दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आने के साथ ही महंगाई भी बढ़ गई और बेरोजगारी आसमान छूने लगी। लेकिन हाल ही में अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वरगेट बैंक और सिग्नेचर बैंक का डिफॉल्ट होने से भी दुनिया भर के देशों को 2008 जैसी मंदी आने का डर सता रहा है। तो अब सवाल यह है कि अमेरिका के बैंक अचानक बंद क्यों हो गए हैं? तो सबसे पहले जानते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक क्यों दिवालिया हो गई है। तो एक बैंक तब डिफॉल्ट होती है जब उस बैंक के बहुत से खाताधारक एक ही समय पर अपना सारा पैसा निकालने के लिए बैंक के अंदर घुस जाते हैं और इस डर के कारण बाकी बैंक भी कमजोर हो जाते हैं। अब सिलिकॉन वैली बैंक साल 1983 में स्थापित हुआ था, जो बैंक अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों का स्टार्टअप को फंड करता है। सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में कहा जाता है कि जिन स्टार्टअप को कोई भी बैंक हाथ नहीं लगाता है, सिलिकॉन वैली बैंक उन्हें भी कर्ज देता है। और 31 दिसंबर 2022 तक सिलिकॉन वैली बैंक की संपत्ति $212 बिलियन की थी, क्योंकि 2021 में शेयर बाजारों में एक तगड़ा बूम आया था और ब्याज दर लगभग जीरो हो गई थी। उस समय टेक स्टार्टअप के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था, जिसके बाद कई स्टार्टअप ने अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में जमा करा दिया था और कई बैंकों ने भी उन पैसों को लंबी अवधि के बॉन्ड में निवेश कर दिया। लेकिन पिछले साल जब ब्याज दरें बढ़ी तो ये बॉन्ड्स अपनी वैल्यू गंवाने लगे। साथ ही टेक स्टार्टअप ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि उनका खर्च अब बढ़ गया था। इस कारण बैंक को अपने बॉन्ड्स को नुकसान में बेचना पड़ा ताकि निवेशकों के पैसे सुखाए जा सके। वहीं नुकसान बढ़ने लगा तो कंपनी के शेयर की कीमत गिरने लगी और 9 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक फाइनेंशियल ग्रुप ने अपने $2.25 बिलियन के शेयर को बेचने की घोषणा कर दी। साथ में यह भी बताया गया कि उसने अपने पोर्टफोलियो में से $21 बिलियन की सिक्योरिटी भी बेच दी है। और इस घोषणा के बाद इस बैंक ने यह भी बताया कि इस पूरे इन्वेस्टमेंट सेल में उसे आफ्टर टैक्स के बाद $1.8 बिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी खबर के बाहर आने के बाद सिलिकॉन वैली बैंक के सभी खाताधारकों ने अपने पैसे बैंक से निकालने शुरू कर दिए। इस बैंक के खाताधारक जल्द से जल्द अपना सारा पैसा निकालना चाहते थे, इस कारण यह बैंक बर्बाद हो गया। और कुछ समय पहले तक सिलिकॉन वैली बैंक का शेयर जो लगभग $600 के आसपास थे, वो अब गिरकर $40 पर आ गए हैं। अब सिलिकॉन वैली बैंक का डिफॉल्ट होना तो एक शुरुआत थी, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के बाद सिग्नेचर बैंक भी डिफॉल्ट हो गया। सिग्नेचर बैंक 2001 में स्थापित हुआ था। यह बैंक रियल एस्टेट, लीगल इंडस्ट्री और 2018 से क्रिप्टो एसेट में भी सक्रिय था, जिस कारण 2022 के अंत तक इस बैंक के पास $110.30 बिलियन के एसेट और $88.59 बिलियन के डिपॉजिट मौजूद थे। लेकिन क्रिप्टो एसेट के डिपॉजिट के बिजनेस में उतरना इस बैंक के लिए खतरनाक साबित हुआ। क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाला एक अन्य बैंक सिल्वरगेट बैंक पिछले ही हफ्ते डूबा था, और सिल्वरगेट बैंक के डूबने के बाद सिग्नेचर बैंक के जमाकर्ताओं में भी खलबली मच गई। और अपने मामले को बिगड़ता देख सिलिकॉन वैली बैंक के डिफॉल्ट होने के 3 दिन बाद ही वित्तीय नियामकों ने फाइनेंशियल सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया, जिसके बाद इन दोनों बैंकों से सभी तरह से विड्रॉल पर भी रोक लगा दी। साथ ही अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट और फेडरल रिजर्व डिपार्टमेंट के खाताधारकों को यह आश्वासन दिया गया कि उनके सभी पैसे सुरक्षित हैं। वहीं इन बैंकों के डिफॉल्ट होने का एक बड़ा कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की अपनी धीमी अर्थव्यवस्था को तेज करने और बढ़ती कीमतों को रोकने की कोशिश करने के लिए अपनी ब्याज दरें बढ़ाना सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरों के कारण सिलिकॉन वैली बैंक जैसे और भी बैंक के खाताधारक और बाकी स्टार्टअप के लिए पैसा उधार लेना मुश्किल हो गया। इस कारण ये स्टार्टअप और खाताधारक अपना पैसा वापस ले रहे हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण है कि धीरे धीरे ये सभी बैंक डिफॉल्ट होने की श्रेणी में आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि यह घटना अमेरिका के इतिहास का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर है। इन घटनाओं के कारण अमेरिका समेत पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम फिर से एक बार हिल गए हैं और पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट देखी गई थी। वहीं इन बैंकों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण के बाद पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में वापस थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है। और इन सब के अलावा सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बाद भारत के निवेशकों और स्टार्टअप कंपनियों के संस्थापकों को भी चिंता हो रही है, क्योंकि इस बैंक ने भारत की 21 स्टार्टअप कंपनियों में निवेश किया है
और पिछले साल अक्टूबर में इस बैंक ने भारत के स्टार्टअप कंपनियों में $150 मिलियन का निवेश किया था। और इस बैंक के द्वारा निवेश की गई प्रमुख कंपनियों में पेटीएम मॉल, नापतोल, कारवाले जैसे प्रमुख स्टार्टअप कंपनी भी शामिल है। और अमेरिका के बैंकिंग संकट के कारण भारत पर भी कुछ हल्के प्रभाव पड़े हैं, लेकिन ये प्रभाव कुछ समय के लिए ही रहने वाले हैं, क्योंकि भारत की दृढ़ बैंकिंग व्यवस्था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विनियमित होने के कारण अमेरिका के बैंकों का दिवालिया होने का भारतीय बैंकों पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में क्रेडिट कार्ड कार्य तेजी से बढ़ने के बावजूद भी बैंकों का एनपीए यानी फंसा हुआ कर्ज भी नियंत्रण में है। इतना ही नहीं, भारत में इस दुनिया के बाकी देशों की तुलना में महंगाई भी नियंत्रण में है, क्योंकि आरबीआई के लचीले मौद्रिक नीति के कारण भारत को अभी तक कोई भी आर्थिक संकट से जूझना नहीं पड़ा है। बाकी आगे देखेंगे कि और क्या होता है। और इसके अलावा आरबीआई के बैंकिंग नियम भारतीय बैंकों को और स्टार्टअप को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहीं आरबीआई के नियमों के कारण भारतीय बैंकों का सिलिकॉन वैली बैंक से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नाता नहीं है। भारतीय बैंकिंग सिस्टम में घरेलू निवेश है। भारतीय बैंकों के पास पर्याप्त एसेट भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ के बैंकिंग सिस्टम पर सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने का असर ना के बराबर होगा। वहीं सिलिकॉन वैली बैंक और अन्य अमेरिकी बैंकों के असफल होने के कारण भी 2008 जैसी मंदी आने की आशंका बहुत ही कम है, क्योंकि आज दुनिया की अर्थव्यवस्था 2008 की तुलना में बेहतर स्थिति में है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व लगातार प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द इस वित्तीय संकट को सुलझाया जाए, यानी आने वाले कुछ समय में अमेरिका को इस वित्तीय स्थिति से जल्द ही निजात मिल जाएगी, ऐसा अनुमान है। लेकिन भारतीय नीति निर्माताओं को भी अमेरिकी बैंकों की स्थिति भारतीय बैंकों में ना हो, इसलिए सतर्क रहना अनिवार्य होगा। बाकी तो आने वाले समय में पता चलेगा कि आर्थिक मंदी आएगी तो कैसे आएगी। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।